टुडेज डेट इज 13/4/2020 एंड डे इज मंडे। ठीक है, ये सब मैं तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ ना, याद है? इसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसे रेक्टेंगल। इसका क्या नाम है? स्क्वायर। इसका क्या नाम है? सर्कल। आप सबका नाम है ना, इनका भी नाम है सबका, है ना? मैंने बताया था ट्रायंगल मतलब होता है थ्री साइड्स। ठीक है, आपको आज मैं क्लास टेस्ट लेने जा रही हूँ बेटा। आज मैं क्या लेने जा रही हूँ? क्लास टेस्ट। आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल है, मतलब इसका नाम बताना है। मैंने तो बता दिया ट्रायंगल, तुम लोग को स्पेलिंग आता है ना, मैंने बोला था लर्न करने। अच्छा, इसमें साइड्स कितने हैं? मैं अच्छे से उस दिन एक्सप्लेन करी थी कि साइड्स कितने हैं। 1, 2, 3, है ना? 3 साइड्स है। इसका नेम क्या होगा? ट्रायंगल। साइड्स क्या होंगे? 3। एंड कॉर्नर के लिए आप कॉर्नर में जाओगे। मैंने उस दिन डोर और का सबका एग्जाम्पल दिया था, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। दिस इज 1, 2, 3। मैं आपको पूरा नहीं बताने वाली हूँ, आपको मैं बता दे रही हूँ कि कैसे करना। What is the name of this figure? Triangle. How many sides are there? 1, 2, 3. आप भी पेंसिल लोगे, टिक करोगे 1, 2, 3. How many corners are there? जहाँ पर where the two lines meet at a point, वो उसको corner बोलते हैं ना, 1, 2, 3. Similarly, you have to write it down. Now, in this, ठीक है? Find circle. ये circle का मैंने diagram बना दिया है। Circle, triangle, square and rectangle in each case and write their numbers in the boxes. अगर बेटा आपको पढ़ना नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको वो इंग्लिश में मैं रीड करना सिखाऊंगी। इस फिगर में आप अपना दिमाग लगाओ, सबके पास दिमाग है ना, सबके पास है। रोज बादाम खाते हो ना बेटा? देखो, इसमें ट्रायंगल, मुझे तो एक ट्रायंगल दिख रहा है। तुम लोग को जो भी जितने ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे उतना यहाँ लिखना है। इसमें सर्कल क्या है? सर्कल लिखना है, कितने सर्कल्स है। हाउ मेनी स्क्वायर? स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैंने बताया था ना, रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसके ऑपोजिट्स, एक बड़ा रहता है एक छोटा, फिर ये है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट मतलब उल्टा, ऑपोजिट साइड जितना ये रहेगा उतना ही बड़ा ये रहेगा। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। मैं ऑलरेडी तुम लोग को एग्जांपल्स दे के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। तो आपको इसका ट्रायंगल कितना है, सर्कल कितना है, स्क्वायर कितना है, रेक्टेंगल कितना है, आपको लिखना। मैंने एक बिल्ली ड्रॉ करी है, ठीक है? इसमें मैंने सर्कल बताओगे कितना सर्कल है। देखो, आप खुद से काउंट करना, ठीक है ना? सर्कल 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 सर्कल। हाउ मेनी सर्कल्स? यू हैव टू काउंट इट। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 1, 2। आप काउंट करो बेटा। ये आज आपका क्या है? क्लास टेस्ट है। क्या है? क्लास टेस्ट है। आप इसे करके यू हैव टू सबमिट इट, है ना? ये दोनों टेस्ट देकर यू हैव टू सबमिट इट इन अटेंडेंस वाले ग्रुप में। अटेंडेंस वाले ग्रुप में आपको सबमिट करना है, फिर मैं चेक कर आपको मार्क्स भी बताऊंगी कि कितने बच्चे को कितने मार्क्स मिला। एंड पेरेंट्स प्लीज टेक केयर कि बच्चे कहीं से देख के ना लिखे, खुद से करें, एक बार उनको समझा दीजिएगा अगर नहीं आएगा तो। फॉर एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी।